चंडीगढ़ में 39वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत शनिवार को पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए नकवी ने बताया कि हुनर हाट कौशल की कद्र, हुनर का हौसला और मेहनत को मौका मार्केट देने का मजबूत अभियान साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों में इसके माध्यम से 8,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों एवं कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से 50% से अधिक महिला कारीगर शामिल हैं। ये 39th हुनर हाट चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों को लेकर के चंडीगढ़ में आए हैं। ये हुनर हाट अनेकता में एकता और सर्वधर्म संभाव का बेहतरीन उदाहरण है। आपको एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक ही प्रांगण में एहसास और अनुभव होगा। समाज के जहां सभी वर्गों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर इस हुनर हाट में होंगे, वहीं देश के हर हिस्से के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक के सभी क्षेत्रों के हमारे पुश्तैनी जो दस्तकारी है, शिल्पकारी है और कला और कौशल के उस्ताद हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ के तमाम और भी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे और ये हुनर हाट 10 दिनों तक यहाँ पर चलेगा। देश के अभी अलग अलग हिस्सों में अभी इसी समय गुवाहाटी में हुनर हाट का 38th एडिशन पूरा हुआ है, उसके बाद ये 39th यहाँ है, उसके बाद सीधे पुणे में होने वाला है, जम्मू में होने वाला है या देश के अलग अलग भागों में। और इन हुनर हाटों के ज़रिए लगभग 8.5 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से स्वावलंबन का, उसका ये परफेक्ट एंड प्रभावी प्लेटफॉर्म है। जो हमारे हुनर के उस्ताद हैं, हुनरबाज हैं, उनके हुनर को, उनके कौशल को का प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन इस हुनर हाट के माध्यम से किया जा रहा है। इस हुनर हाट में जहाँ पर आपको विभिन्न राज्यों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत उत्पादन दिखाई पड़ेंगे, वहीं पर सर्कस का भी कार्यक्रम दिन में 3 बार आपको होगा यहाँ पर। जो सर्कस की जो हमारी संस्कृति थी, जो कला थी, जो कौशल था, वो जिस तरह से लुप्त हो रहा था, उसको भी हम लोगों ने हुनर हाट में उन सर्कस के कलाकारों को ढूंढ करके, अलग अलग राज्यों से ढूंढा गया, कोई नॉर्थ ईस्ट में था, कोई साउथ में था, कोई अलग अलग स्थानों पे था, उनको सर्कस के यहाँ पर कार्यक्रम भी होते हैं। और सायंकाल जो है वो सांस्कृतिक गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो हर शाम को, दिन में जहाँ पर कम से कम तीन बार सर्कस के कार्यक्रम होंगे, वहीं पर शाम को जो है वो संगीत के कार्यक्रम भी होंगे। इसमें जो राज्य इस हुनर हाट में हिस्सा ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, दिल्ली है, नागालैंड है, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, चंडीगढ़ और भी अलग अलग जगहों के दस्तकार, शिल्पकार इस हुनर हाट के कार्यक्रम में होंगे। शाम को जो है वो काफ़ी जाने माने कलाकार अपने गीत का, संगीत का
गज़ल का, उसमें पंकज उदास जी हैं, सुरेश वाडेकर साहब हैं, अमित कुमार जी बहुत जाने माने, किशोर कुमार जी के पुत्र भी हैं, सुरेश भोसले जी, कविता पौडवाल जी, अल्ताफ राजा, रेखा राज, भूपेंद्र सिंह भूपी, शिवानी कश्यप, अंकिता पाठक, भूमि त्रिवेदी, जसवीर जस्सी, उपासना सिंह, अनिल भट्ट, शैलेंद्र सिंह, नूरान सिस्टर, भूमिका मलिक, प्रिया मलिक, सायरा खान, विवेक मिश्रा, सिद्धांत भोसले, रानी इंद्राणी और भी कई जाने माने मशहूर कलाकार इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में अपनी शानदार प्रस्तुति करेंगे। यहाँ के कलाकारों के अनुभव का को भी आप देखें, उनके ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन, उसको भी आप उनकी ज़बानी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जब हम इस पुश्तैनी और इस हमारी शानदार जानदार स्वदेशी उत्पादन और कला और कौशल को हम पूरे देश में प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका जो उसके पीछे जो मकसद है, मंशा है कि हमारे इन हुनरबाजों को मौका भी मिले, मार्केट भी मिले, प्रोत्साहन भी मिले और जो चीज़ लुप्त हो रही थी वो जो है वो फिर से हमारे देश में अपनी धाक जमा सके, अपना स्थान जमा सके। पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो तो लगातार 3 बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़े हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप फिल्मों का हम कर रहे हैं टैक्स फ्री कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री, पर लोगों के ऊपर मार पा रहे हैं महंगाई की, तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इसमें कोई चीज़ जो है वो कांग्रेस कहे या कोई विपक्ष कहे उसका कोई मैं उस पर तो मैं नहीं जवाब देता, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और महंगाई बढ़ने का अंदरूनी कारण नहीं है, बाहरी कारण है। आज जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो इसके दुनिया का बाजार इससे प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में 20-25% तक जो है वो पेट्रोलियम दाम और उसके अलावा पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़े हैं। ब्रिटेन में भी लगभग 20% से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जर्मनी में भी और भी तमाम देशों में बढ़ा है। यहाँ पर जो है वो 1% से भी कम जो है वो बढ़ा है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये बाहरी कारण है एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप 2 सालों का जो वैश्विक आर्थिक मंदी और तंगी का माहौल था कोविड पीरियड में, पूरी दुनिया हिल गई थी, पूरी दुनिया में जहाँ पर एक तरफ जो है वो खाने पीने की दिक्कत आ गई, दवाओं की दिक्कत आ गई, अलग अलग तरह के बड़े बड़ी चुनौतियाँ आ गई थी, लेकिन भारत में भारत के लोगों का संयम, सावधानी, संकल्प और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने का नतीजा रहा कि इस कोविड के संकट काल में भी हमने अपने देश को प्रभावित होने से बचाया। और आज जो है वो 85% से ज़्यादा हम क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं, और जिन देशों के बीच में, क्योंकि ये तो सप्लाई चेन का विषय है, जिन देशों के बीच से हमें लेना होता है, सभी जगह पर इस तरह की समस्या आई है और जल्द ही इस समस्या से भी हम बाहर निकलेंगे। हम कश्ती से तूफान को, तूफान से कश्ती को बाहर निकाल के इस तूफान से भी लाएंगे। सब 1 महीना हो गया रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात करिए आपने, 1 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है वॉर शुरू हुए हुए, और इसी दौरान में यहाँ पे चुनाव भी हुए। चुनाव के दौरानों में सरकार की हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहती है कि दाम ना बढ़े पेट्रोल और डीजल के, क्रूड ऑयल जबकि ऊपर चढ़ रहा था, और जब 33 रुपए क्रूड ऑयल था प्रति डॉलर, तो उस वक्त कौन सा रेट कम करे गए थे क्या? देखिए, मैंने एक बात आपको बताई कि आज जो बढ़ा हुआ है वो बाहरी कारणों से है और जल्दी ही इसका समाधान भी हम चाहते हैं होगा, लेकिन जहाँ तक आपने जिस युद्ध की बात करी तो उस पर तो हमारा कोई न कंट्रोल है न हम उसमें जो है वो इन्वॉल्व है। देखिए, जुल्म हुआ है
और जुर्म हुआ है, और बिना जुल्म और जुर्म के कोई आदमी अपना घर छोड़ के नहीं जाता।